एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर स्टार्ट है बोहर मॉडल ऑफ एटम से। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो बोहर मॉडल ऑफ एटम से स्टार्टिंग है। बोहर मॉडल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के लिए बनाया गया था और उसके अंदर जो nth लेवल पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो mvr इज nh बाय 2 पाई, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको आता है। इसके बाद इसमें m और v का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो इसे प्लीज हाईलाइट कर लें, इसको क्या बोलते हैं, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, असाइनमेंट का प्रिंटआउट दिया हुआ है मैंने, ऑनलाइन वालों को मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ। ठीक, नेक्स्ट है, इसके अंदर जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे आता है तो हायर शेल पे एनर्जी ई आई है, लोअर शेल पे ई एफ है, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या है, ई आई माइनस ई एफ, जो कि किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। ये भी किया हुआ आपने। इस कंडीशन को बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। नेक्स्ट है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की थ्योरी में यह बताया हुआ है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर और एक प्रोटोन है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस, अब प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय प्रोटोन, तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स कहां लगती है, टुवर्ड सेंटर। और ये क्या प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रिपिटल फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है ना, सर्कल। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का 1/4πε0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटोन का चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। कोई अगर ये कहेगी मैं नेगेटिव साइन लेना चाहता हूं तो ले ले, नेगेटिव साइन फोर्सेस में ये शो करती है फोर्स अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था। तो हम ये कह रहे हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव है और ये टुवर्ड सेंटर काम कर रही है, और अगर ये फोर्स टुवर्ड सेंटर है तो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से आर कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एम वी स्क्वायर एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो किसकी वैल्यू आ गई, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमने अभी ये बोहर का वो किया भी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, यहां से वी एक तरफ, एम और आर 2 पाई के नीचे चले गए, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के, पूरी की पूरी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दें तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये किया हुआ है, वेलोसिटी स्क्वायर चेक करो, पूरी की पूरी वैल्यू यहां पुट कर दी तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। इसको ओपन किया, ओपन में क्या करना है, m इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय 4π² एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर, आर से आर कैंसल। तो सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आर की। तो यहां से सॉल्व करके आपने आर निकाल लिया। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है nth शेल में, तो रेडियस का फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ये है रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, इसे आप हाईलाइट कर लें, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो कई बार वो क्या कहता है कि नंबर जो n शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 3 है, रेडियस आर 1 है आर 2 है, तो वहां से इस रिलेशन से आप आर और एन का रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले को, इस आर की वैल्यू को उठा के अगर यहां पे पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो इस आर की वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईलाइट करें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता, मैं पहले बता दूं, ना मैं इसे यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, इसकी जगह 9×10⁻⁹, 2πeh, प्लैंक्स कांस्टेंट सब पुट करता हूं और मेरे पास एक शॉर्टकट आंसर आता है 1/137c/m। तो ये फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, n का मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, और 137 तो वैसे ही याद है। इस 1/137 वैल्यू को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो आज के बाद अगर न्यूमेरिकल वेलोसिटी पे आएगा तो ये फॉर्मूला की जगह आप सीधा ये शॉर्टकट लगा सकते हैं,
आपको n की वैल्यू गिवन होगी, कौन सा शेल है वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। तो हमने क्या निकाल लिया, रेडियस, हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम।